अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुह जी। आज हम स्नैक्स, टी टाइम स्नैक या ब्रेकफास्ट में कह लीजिए, अक्सर सभी के घरों में बनता है उपमा। उपमा तो हर कोई बनाता है, लेकिन हम उसको थोड़ा न्यूट्रिशियस बनाएंगे ताकि बड़ों के साथ बच्चे भी खाए और थोड़ा चटपटा अच्छा लगे। तो उसको और हेल्दी बनाने के लिए, न्यूट्रिशियस बनाने के लिए बताते हैं क्या क्या इस्तेमाल होगा। तो ये सबसे पहला यहाँ पे हमने ये मस्टर्ड सीड्स लिए, दैट्स राई, ये नमक, दैट सॉल्ट, ये हमने हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। और ये जो मस्टर्ड सीड्स है राई, ये 1 टीस्पून लिया है। एक छोटा पिंच हींग का है। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी, हमेशा जब भी आप उपमा बनाते हो, आप सूजी सेमोलिना का इस्तेमाल करते हो रवे का, तो हींग ज़रूर डालिए। इससे क्या होगा कि आपके जो उपमा है वो खिला खिला बनेगा। वरना एक अक्सर लोगों का ऐसा हलवा जैसा एकदम घट और खिले खिले नहीं बनते हैं उपमा। तो अगर आपको खिला खिला उपमा बनाना है तो ये टिप ज़रूर आजमाइए और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइए बाद में। एक पिंच हमने एसोफोटीडिया, दैट्स हींग लिया है। ये हमने 4-5 काजू है जिसको हमने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, काजू और बादाम दोनों लिया है, दैट्स आलमंड एंड कैशू नट्स। ये 1 टीस्पून भर के ही, फुल भर के हमने उड़द दाल ली है वाइट वाली। ये कुछ हमारे पास ग्रीन पीस, आजकल ग्रीन पीस बहुत आ रहे बाज़ार में, हम भी बाज़ार गए थे तो ग्रीन पीस लेकर आए थे, तो सोचा थोड़ा इसमें भी डाल दें, बहुत हेल्दी और कलरफुल और न्यूट्रिशियस लगेगा। एक टोमेटो हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये 250 ग्राम्स रवा है जिसको हमने भून लिया है। यहाँ पर एक और टिप देना चाहूँगी, हमेशा रवा भून के बनाइए, कभी भी डायरेक्टली नहीं बनाइए। देखिए कितना, इतना ये कि हाथों से गिर जा रहा है, ये गर्म भी है इस वक्त, लेकिन इसको इतना भूनिएगा, इतना भूनना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा और खिला खिला बनेगा आपका रवा। इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर पे भुनना है। यहाँ पे हमने 3 सूखी ड्राई हरी मिर्च, हरी ड्राई चिली लिया है, दैट्स रेड ड्राई चिलीज, फ्यू करी लीव्स यानी के कड़ी पत्ते, और एक बड़ा अनियन बारीक चॉप कर लिया है। रवा मैंने पहले ही भून लिया है, तो अब हम चलते हैं बनाते हैं इसे गर्मा गर्म उपमा, कलरफुल न्यूट्रिशियस उपमा। सेम पैन में मैंने ये कर रहा है जिसमें मैंने रवा तला था, तो अब हम ऑयल डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून भर के ऑयल है, इसे गर्म होने देते हैं फिर आपको बताते हैं। तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं ये मस्टर्ड सीड्स राई डाल देती हूँ और इसे थोड़ा क्रैकल होने देते हैं। ये जैसे ही क्रैकल होता है हम इसमें ये कड़ी पत्ते डालेंगे। सूखी मिर्च, अनियन और ये उड़द दाल, ये भी शामिल कर देंगे इसमें। पहले थोड़ा सा दाल को भून लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अभी फिलहाल मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, जस्ट कि अनियन हमारे प्याज जो डाला है वो सॉफ्ट हो जाए। नमक डालने से प्याज जो है वो जल्दी ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी। ये काजू और एलमंड्स जो हमने रफली चॉप करके रखे थे ये भी डाल देंगे।
और इसे 2 मिनट तक थोड़ा लो फ्लेम पे पकने देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ये भुनी हुई सूजी यानी कि रवा सेमोलिना डाल दूंगी। ये 250 ग्राम रवा है, इसको भी भूनूंगी। और ये हींग, ये भी शामिल कर दूंगी। उसी के साथ ग्रीन पीस और टमेटो, और इसे अभी पहले ऐसे ही भून लिया। इसी तरह भूनेंगे और रवा नमक भी डाल देंगे। ये यहाँ पे मुझे कुछ नमक ये लग रहा है, तो ये पूरा ही ले लेंगे। हमने ये ध्यान रहे, हमने नमक हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, सॉल्ट। 2 मिनट इसी तरह भूनेंगे। फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये 2 मिनट हो गया है, तो यहां मैं सेम बाउल भर, जितना बाउल में रवा था वही बाउल भर के गर्म पानी डाल रही हूं। तो अब मैं गैस का फ्लेम पहले स्लो कर देती हूं और ये गर्म पानी, शायद आपको धुआं नजर आ रहा होगा, ये एक और ये 1.5 गरम पानी डाल के, ये गरम पानी डालने से अच्छे खिले खिले बनेंगे। तो हमने उपमा बनाने में आपको 2-3 टिप दे दिए, और गरम पानी डालने से जल्दी भी बनेगा। अगर आपको जल्दी है, सुबह का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता हो, तो आप इसको जल्दी से बना भी सकते हैं। ये देखिए जल्दी बन भी जाएगा। इसको मिक्स कर लिए और अब हम इसको कवर कर लेंगे। ये देखिए 5 मिनट्स हमने इसको कवर करके पकाया है, गर्म पानी डालने से जल्दी बन गया, 5 मिनट में बन गया है। ये देखिए 5 मिनट हो गए पूरे, हमने टाइमिंग लगा के देखा। अब इसको ओपन करके देखो, चेक कर, अब देखिए कितना खिला खिला बना है और कितना कलरफुल, न्यूट्रिशियस और हेल्दी। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है रवे की, भुने हुए रवे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको सर्व करके बताते हैं। बहुत टेस्टी लग रहा है, कलरफुल भी लग रहा है। गर्मा गर्म हेल्दी न्यूट्रिशियस उपमा बनके रेडी है। आप इसे हमारे मेथड से बनाइएगा जरूर, राहत किचन के मेथड से बनाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक का बटन भी दबाइए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप हमारी वीडियो से कुछ सीखते हो, आपको कुछ टिप्स अच्छे लगते हैं, सीखने कुछ मिलता है, तो प्लीज़ राहत किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।